दोस्तों, तो हम भागलपुर में आपको आज दिखा रहे हैं विसर्जन शोभा यात्रा। आइए बने रहिए ब्लॉग्स पर, आप देखते हैं विसर्जन शोभा यात्रा। जो है पूरे भागलपुर में लाइट कटी हुई है। आप मेरे साथ विक्रम है, तो सोचे कि बैठे मनने लगा तो आ गए घूमने के लिए यहाँ पर। तो सोचे क्यों नहीं आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग लाया जाए, विसर्जन शोभा यात्रा भागलपुर का दिखाया जाए, तो हम लोग आ गए हैं। भीड़ है दोस्तों, पूरा भीड़ है। यानी अजंता टॉकीज का जो रोड है पूरा भीड़ है, पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। यानी प्रतिमाएं जो निकल रही है ना, तो पूरा शहर में जाम लगा हुआ है। ऊपर से लाइट बंद है और लोग पैदल यात्रा भी कर रहे हैं, कुछ लोग देख भी रहे हैं। तो इसका फरमाइश है कि हम गुपचुप खाएंगे। मतलब चलो ठीक है, तो वीडियो के सामने जो है फिर गुपचुप खा रहे हैं। खा लिए पानी पूरी, क्योंकि सर्दी है फिर भी खा लिया। ज़्यादा नहीं खाएं, दो दिन को खाएं बस, सर्दी को भी इतना पड़ता है ना। बैरिकेडिंग लगाया गया है, ये देखिए यहाँ भागलपुर यातायात का बैरिकेडिंग लगाया गया है। यानी कि यहाँ से जो है आपका खलीफाबाद चौक, यानी घंटाघर से खलीफाबाद चौक आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हुआ हो रहा है, शोभा यात्रा निकला हुआ है। इसलिए दो तीन दिन से, यानी कि ये मरवाड़ी पाठशाला रोड है, दो तीन दिन से इसमें यहाँ इतना बिजी था कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिल रहा था। और आज देखिए यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर जो विसर्जन शोभा यात्रा यहाँ से निकाला गया था, बहुत भीड़ था। अभी यहाँ पर खाली है, लेकिन आगे जाकर आपको फिर भीड़ मिलने वाला है। ये रहा मारवाड़ी पाठशाला, ये तो देख रहे हैं। तो यहीं युवक संघ का यहाँ जो भागलपुर का बेस्ट जो प्रतिमा बिठाई जाती है, जो पंडाल बनाया जाता है, यहीं बनाया जाता है। तीन चार दिन से बहुत भीड़ था यहाँ पर, तो अब खाली है क्योंकि विसर्जन हो चुका है। आज कम्प्लीटली खाली है। कितना आज रोड खाली है दोस्त, देखो ज़रा कितना रोड खाली। कोई लेने वाला नहीं है आज, कोई लेने वाला नहीं। ये 14 फरवरी आएगा तब ना लेगा इसको, टेडी बियर डे, ये डे वो डे, तब लिया जाएगा बिग शॉप। और चूँकि शहर का जो है लाइट कटा हुआ है, बिजली नहीं है, लाइट कटी हुई है विसर्जन को देखते हुए, इसलिए चारों तरफ अंधेरा अंधेरा सा है। और कई दुकानें बंद है, ये देख रहे हैं, लगभग 90% दुकानें जो है आज बंद है भागलपुर में। चाय का दुकान भी बंद है, यहाँ पे उठ गया, कल यही चाय पिए थे, अब पुतला भी था बगल में लेकिन आज नहीं है। और 90% दुकानें बंद है दोस्त। आज भीड़ भी कम है, क्योंकि सब जानते हैं कि शहर में आज इधर उधर घूमना भी ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ जाएंगे जाम में फंस जाएंगे, इसीलिए परहेज लोग किए हुए हैं, शहर से घरों से नहीं निकल रहे हैं। जिसे शोभा यात्रा में शामिल होना है सिर्फ वही लोग निकल रहे हैं, या अर्जेंट काम के लिए निकल रहे हैं। ये कहलाता है खलीफाबाग चौक। शहर पूरा अंधेरा है, और लोग जो है विसर्जन शोभा यात्रा से कुछ लोग लौट रहे हैं और कुछ लोग देखने के लिए जा रहे हैं। चारों तरफ है शोभा यात्रा, जहां भी नज़र पड़े शामिल हो जाना है। और यहां दुकानें लगी हुई हैं, गुपचुप खाइए, मोमोज खाइए, ज़्यादा भरत कचौड़ी खाइए, ज़्यादातर गुपचुप और मोमोज का क्रेज है। ये देख रहे हैं लाल टोपी वाले गुपचुप वाले भैया, और यहाँ उसके बगल में मोमोज वाले भैया, काफ़ी फेमस है ये दोनों। कभी आएंगे फूडी ब्लॉग आप लोग के लिए बनाएंगे। ये लगाया गया है ताकि यातायात प्रभावित ना हो, जाम ना लगे, और किसी तरह का कोई वाहन इधर उधर ना जाए। टेलीविजन जिसका प्रचार नहीं कर रहे हम, ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको। ये आगे हम कोतवाली चौक के पास पास हैं, और यहाँ सामने विशाल जो है
विशाल मेगा मार्ट मॉल है, ये देखिए। इसका भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही आपको दिखा रहे हैं ब्लॉगिंग में। दिखाएं ना मॉल, दिखाएं या कोई भी चीज़ दिखाएं तो उसका हम प्रमोट नहीं करते उसको, ना ही उसका प्रचार करते हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा है। ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं, खूबसूरती दिखा रहे हैं या शहर में क्या क्या है वो चीज़ दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए, ऐसा नहीं कि हम जो दिखाएं या मॉल दिखाएं, वीडियो मॉल दिखाएं तो आप चले गए उसमें अपना सामान खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपना सोच समझिए, अच्छा लगे जाइए, नया लगा तो मत जाइए। रिकमेंड नहीं कर रहे ना, कोई प्रमोशन कर रहे हैं हम, बस ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो आलू के पास कितना भीड़ है, दुकानें भीड़। इसका रीज़न ये है कि अभी अभी यहाँ पे विसर्जन शोभा यात्रा यहाँ से निकली है, इसलिए बहुत भीड़ है। और यहाँ देखिए कौन बाजा निकला है, बेहुदा टाइप का साला, दिमाग खराब कर रखा हुआ है, पे 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 कान झर्रा जाता है। ये कोतवाली चौक हो गया और यहाँ भीड़ है। कुछ देर पहले यहाँ से विसर्जन शोभा यात्रा निकला था, क्योंकि अभी जो ना ये शोभा यात्रा यहाँ से निकल चुका है, हम लोग मिस कर गए, हम लोग नहीं दिखा पाए आपको, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ पर मूर्ति था, सोचे बाद में दिखाएंगे, लेकिन अब मूर्ति पता नहीं कहाँ चला गया। खैर पूछते हैं आदमी से, कोई आदमी से पूछो ना कि मूर्ति आने वाला है कि नहीं आने वाला है, इतना भीड़ है। अगर मूर्ति आने वाला तो कुछ देर रुक के आपको हम यहाँ मूर्ति दिखाएंगे, नहीं तो फिर कहीं और जाएंगे। फिलहाल तो है कोतवाली के पास, और यहाँ सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, देखिए यहाँ पुलिस वर्दी वाले भैया सब है आपके सुरक्षा के लिए, तो डरिए मत, आप भागलपुर में सुरक्षित है। ऑटो ऑटो वाले का मनमानी चलता है, यानी कि दुगना दाम लेता है, इसलिए हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं, क्योंकि जो रेट है वही देंगे, उससे अलावा कुछ नहीं देंगे। हम लोग यही लोग होशियार हैं कि हम लोग उससे ज़्यादा होशियार है, तो है कि नहीं, सही बात है भाई। यानी कि आप शहर से अगर कहीं दूर से अगर आते हैं भागलपुर देखने के लिए, तो ऑटो ऑटो वाले से बच के रहिए, ये लोग बहुत पैसा लूट लेता है, यानी मनमाना दाम लेता है, इससे बच के रहिए। खासकर रिजर्व में आपका दोगुना तीन गुना दाम लेगा, इसलिए संभल के।